ओके सोल्फाइज ईयर एंड देखो आज की वीडियो अपन बात करेंगे पिंक डायमंड स्टोर के अंदर जो रिवॉर्ड्स है उनमें से तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड लेना चाहिए, मतलब अगर तुम्हारे पास ज्यादा डायमंड नहीं है मेरी तरह एंड तुम रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तुम कंफ्यूज जा रहे हो कि भाई कौन सा रिवॉर्ड लेना चाहिए, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो काफी अच्छी वीडियो, बिना स्किप किए देखना एंड शुरू करते हैं। तो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर तुम गन स्किन लेने का सोच रहे हो एंड तुम भाई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन की मतलब कौन सी गन स्किन तुम्हें लेनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे चार पांच गन स्किन है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा चलते अपन, तो यहाँ पे बहुत सारी गन स्किन है, तुम लोग यहाँ पे सारी गन स्किन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर तुम लेने की सोच रहे हो UMP, तो भाई मैं तुम्हें बोलूंगा कि ले लो। अगर तुम्हारे पास कोई भी UMP की अच्छी स्किन नहीं है तो भाई तुम्हें UMP की स्किन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज काफी अच्छी स्किन है एंड बाकी स्किन उतनी कुछ खास नहीं है। एंड भाई बाकी स्किन तुम्हारे पास पड़ी भी होगी बट UMP को तुम बहुत ज्यादा यूज करते हो मुझे पता है। CS में देखो जब भी अपन CS रैंक खेलते हैं खेलते हैं तो बहुत ज्यादा UMP को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में काम आती है UMP। तो अगर कोई अच्छी स्किन नहीं है, इससे अच्छी स्किन नहीं है, तो भाई UMP की तरफ चले जाना, मतलब हाँ 1200 डायमंड का है बट भाई अच्छी चीज है, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो अपन 4U में चलते हैं एंड यहाँ पे देखो जो दो कैरेक्टर तुम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर मत लेना, कुछ उतने खास नहीं है भाई, तुम लोग रहने देना इसको। एंड यहाँ पे जो दोनों बंडल है ये भाई नूब वाले बंडल कोई नहीं पहनता, इनको तो लेना ही मत, ये बहुत पहले फ्री में मिल चुके हैं। इसके अलावा देखो ये जो इमोट है, ये चार पांच इमोट है, चार इमोट है, तो यहाँ पे देखो चार इमोट में से दोनों इमोट ना, मतलब ये वाला और ये वाला, भाई ये दोनों इमोट रेयर है, बिकॉज ये देखो ये ऊपर वाला इमोट आया था 500 डायमंड के टॉपअप में, आई थिंक 300 फिर 500 डायमंड के टॉपअप में आया था बहुत पहले। एंड ये वाला इमोट भी भाई अपना स्टोर में है, ठीक है, तो मतलब काफी रेयर इमोट है। तो तुम्हें इन दोनों में से कोई एक इमोट ले लेना है, तो भाई मैंने एक इमोट ये वाला ले लिया है। एंड इसके अलावा देखो मैं ये वाला इमोट लेने वाला हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास अभी उतना डायमंड तो नहीं है बट थोड़ा डायमंड कलेक्ट करके लूंगा। एंड इसके अलावा देखो बाकी कुछ चीज़ें उतनी कुछ खास नहीं है, बिकॉज पेट में अगर तुम लोग जाते हो तो यहाँ पे देखो पेट्स में मतलब कि सारे पेट बेकार है, अगर तुम्हारे पास मिस्टर बेकार है तो कोई भी पेट मत लेना। मैंने तुम्हें दो मतलब चीज़ें बताई है वो तुम ले सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास ऊपर से डायमंड बच जाता है तो भाई एक ग्लोबल की स्किन ले सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्लोबल की स्किन है, मतलब ग्लोबल की स्किन अगर तुम्हारे पास पहले से नहीं है तो ले सकते हो, अगर भाई मतलब कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ग्लोबल की स्किन है तो मत लेना, ठीक है। उसके अलावा देखो कटाना की स्किन है भाई, तो कटाना की स्किन भी काफ़ी लेजेंडरी है, अगर तुम इसको लेते हो मतलब तुम्हारे पास कोई भी कटाना की स्किन नहीं है तो भाई इसको ले लेना, काफ़ी अच्छी स्किन है। एंड बस यही सब चीज़ें मैंने तुम लोग को बता दिया कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेनी चाहिए। मैं तो भाई यहाँ पे मैंने एक इमोट ले लिया एंड एक इमोट और लेने वाला हूँ, ठीक है, इतने मेरे पास डायमंड है। तो बस यही था वीडियो में, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे पास कितने पिंक डायमंड है, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना। एंड बाय बाय, टेक केयर।